उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मुबारकपुर गांव की एक बड़ी प्रेरक घटना मेरे सामने आई। करीब 3,500 हमारे मुसलमान भाई बहनों के परिवार वहाँ उस छोटे से गांव में बसते हैं। एक प्रकार से ज़्यादा आबादी हमारे मुस्लिम परिवार के भाइयों बहनों की है। इस रमज़ान के अंदर गांव वालों ने मिलकर के शौचालय बनाने का निर्णय किया और इस व्यक्तिगत शौचालय के अंदर सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है और उस सहायता की राशि करीब 17 लाख रुपये उनको दी गई। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य भी होगा, आनंद होगा, रमज़ान के इस पवित्र महीने में सभी मुसलमान भाइयों बहनों ने सरकार को ये 17 लाख रुपये वापस लौटा दिए और ये कहा कि हम हमारा शौचालय हमारे परिश्रम से हमारे पैसों से बनाएंगे, ये 17 लाख रुपये आप गांव की अन्य सुविधाओं के लिए खर्च कीजिए। मैं मुबारकपुर के सभी ग्रामजनों को रमज़ान के इस पवित्र अवसर को समाज की भलाई के अवसर में पलटने के लिए बधाई देता हूँ। उनकी एक एक चीज़ भी बड़ी ही प्रेरक है और सबसे बड़ी बात है उन्होंने मुबारकपुर को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 प्रदेश ऐसे हैं, सिक्किम, हिमाचल और केरल, वो पहले ही खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। इस सप्ताह उत्तराखंड और हरियाणा भी ODF घोषित हुए। मैं इन 5 राज्यों के प्रशासन को, शासन को और जनता जनार्दन को विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ इस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए। मुझे खुशी है कि आज स्वच्छता ये सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, ये जन समाज का, जन सामान्य का एक आंदोलन बनता चला जा रहा है और शासन में बैठे हुए लोग भी जब जन भागीदारी से इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो कितनी ताकत बढ़ जाती है। पिछले दिनों एक बहुत ही उत्तम घटना मेरे ध्यान में आई जो मैं आपके सामने जरूर कहना चाहूँगा। ये घटना है आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले की। वहाँ के प्रशासन ने जन भागीदारी से एक बड़ा काम हाथ में लिया। 10 मार्च सुबह 6 बजे से लेकर के 14 मार्च सुबह 10 बजे तक 100 घंटे का नॉन स्टॉप अभियान और लक्ष्य क्या था, 100 घंटे में 71 ग्राम पंचायतों में 10,000 घरेलू शौचालय बनाना। और मेरे प्यारे देशवासियों, आप जानकर के खुश हो जाएंगे कि जनता जनार्दन ने और शासन ने मिलकर के 100 घंटे में 10,000 शौचालय बनाने का काम सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया। 71 गांव ODF हो गए। मैं शासन में बैठे हुए लोगों को, सरकारी अधिकारियों को और विजयनगरम जिले के उन गांव के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए बड़ा प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है।